शक्ल से लक्षण ऐसे लग रहे हैं किसकी शादी ब्लैक बग बता रहा हूँ ये पट हनीमून का क्या चक्कर है भाई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और 9 to 5 व्लॉग में आज का स्वागत है, और सॉरी आपका स्वागत है। और साथ में है हमारे बाबा जी। हेलो, कैसे हो सारे? सारे बढ़िया हैं, लेकिन बाबा जी की आज तबीयत थोड़ी नासाज है, अभी हम बता नहीं सकते, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो एक्चुअल में डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो ट्विस्ट है। अगर वो डिक्लेयर कर दिया तो यहाँ पर बहुत कुछ हो जाएगा। ज्यादा जोर से भी नहीं बोल सकते बाबा जी, इसलिए धीरे धीरे बोल रहे। बाकी समझदार हो आप, क्या कर सकते हैं। तो आज यहाँ पे बैठी है पूरी की पूरी टीम, ऑलमोस्ट पूरी टीम ही बैठी है, एक आधा बंदा छोड़ के। तो चलो कैमरा घुमाते हैं। तो जी कैमरा घुमा दिया गया है। सबसे पहले आया अंकित। हाँ भाई अंकित, आज तेरा यार बहुत डिस्कशन चल रहा है, चक्कर क्या है? छुट्टी पे कहाँ गया था यार? सवाल पीछे से आ रहे हैं, घर पे क्या करने गया? गोयल साहब के सवालों का जवाब देते रहो। गोयल साहब कह रहे पीछे तुम तो डेली मिलते हो घर वालों से, तो इस बार क्या खास बात थी? लेकिन शक्ल से लक्षण ऐसे लग रहे हैं कि इसकी शादी शायद जल्दी हो जाएगी। हमने सुना है इसी साल में हो जाएगी। आजकल इसके चेहरे विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है नवंबर में। दिवाली के चेंज की क्या तूने कॉफी? स्टारबक्स ब्लैक बग बता रहा है बाबा। अंकित अपनी सफाई देते हुए अभी याचिका दर्ज की हुई है। नवंबर के बाद दिसंबर आता है, साल के बाद उसके बाद बचा क्या? जनवरी तो अगला साल चलिए। एक दो महीने में कोई ना कोई मिठाई खिलाई देगा। पट हनीमून का क्या चक्कर है भाई? फिर ये देखो ये कितने सुविचार हूं दसो की कहने ये थाईलैंड से नाने लाने वाली केड़ी गल सी? हनीमून ते जाना थाईलैंड कितने सुविचार है। हाँ जी, इनके सुविचार के बारे में आप कुछ कहोगे? आप सहमत हो इनके सुविचार से? हफ्ता तूने यार दिखा नहीं, दो हफ्ते से क्या कहाँ काटा गया तेरा हफ्ता? तेरे से बात करो, मेरे से बात करो। हाँ मेरा हफ्ता? हाँ दिखा नहीं है हफ्ता, यहीं पे थे। कहाँ जाएंगे सर हम? सही बात करो,
डेट कर रहा है किसी को? डेट करा सके सुई तो सब कुछ है बीजो रख कर रहा है। जाएगी साथ तो गया था डबल डेट पे। अच्छा डबल डेट वो कैसी होती भाई? तू अभी भी डेट कर रहा क्या चक्कर है? लड़कों के साथ लड़कियों के साथ डेट पे गया था? क्या करने गया इनके साथ? यही तो सच्चाई है, यही तो सच्चाई है। हाँ आप चलो इसका जवाब दो भाई। तेरे साथ डेट पर गया था? तूने कहाँ से देखा? ये देख रहा था कि कोई स्टारबक्स जा रहा है वो मेरा फ्रेंड बनेगा। ये पकड़ा पकड़ा सही पकड़े हो। और ये देखो फोन बंदा फोन में इतना बिजी है इसे का अगले को डिस्कशन ही नहीं। अच्छा मैसेज आ रहे हैं घर वाली के कहेंगे मैसेज है भैया। अच्छा बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये ले लो भैया एक तो। नहीं भैया आपको मतलब क्या फील हो रहा है? जैसे कि मतलब पार्टी जल्दी आने वाली है, ऑफर रुका हुआ है, तो क्या फील हो रहा है आपको? मतलब कैसे लगेगा आपको? फील तो बहुत बैड फील हो रहा है। खुद तो दर्द में रुका हुआ है मेरा। साथ में अंकित और अंकित से डिस्कशन कर रहे हैं आफ्टर मैरिज। भाई तेरा क्या प्लानिंग है? हनीमून वनीमून में जाना है तूने कहीं? क्या जाना है सर? अच्छा कहाँ की प्लानिंग बन रही है? तो क्या सोचा है? क्या क्या कह रहे पापा? क्या जाना पड़ेगा? हाँ सर उसके लिए मतलब सर अभी मतलब ना थोड़ी मतलब अभी मतलब थोड़ी अभी प्राइवेसी रखी है मतलब कुछ मतलब होनी है कि मतलब कहाँ जाना। नहीं प्राइवेसी तो ठीक है, प्राइवेसी तो चलो होना भी चाहिए। ये एक मतलब क्या डेस्टिनेशन इंडिया में होगी या आउट ऑफ इंडिया? अभी सर मतलब अभी डिसाइड नहीं की मतलब इंडिया है या मतलब आउट ऑफ इंडिया है अभी इस बारे में कोई डिसाइड नहीं किया मतलब अभी। मैंने तो डिसाइड कर लिया। ठीक है तेरे लिए मैं एसी लगवा देता हूँ रूम में बढ़िया अपना फर्स्ट क्लास। चाय पानी पीना हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, सब चल जाएगा वहाँ काम। अगर तुमने हाईफाई कहीं जाना हाईफाई जगह पे जो ज्यादा एलीट जगह एलीट की बात कर रहा हूँ मैं एलीट हाँ। तो डेकोली वो पाइन होम्स 2 में चला जाना तो वो वाले बैठे एलीट सोसाइटी में। चलो ठीक है ऐसा भी कर सकते हैं। तो अगर थोड़े बहुत ठीक ठाक पे जाना हो जा खर्चा ज्यादा ना हो मतलब ठीक ठाक तो मेरे पास आ जाना। ये देखो बात ये कह रहे हैं कि हमारे पास आ जाना। भाई तू बुला तो ले कम से कम। मैं तो बुला रहा हूँ देखो, मैं तो कह रहा हूँ हमारे पास आ जाना। हमारे तो साफ सुथरा पूरी खातरदारी करेंगे। नॉक करके जाना इसके घर में। फोन करके आना पहले। फोन कॉल करके फोन कर लेना। और दरवाजे पे दरवाजा खोलने के लिए एक बंदा मिलता है छोटा सा बच्चा और वो कान काटने वाला है सबके ध्यान रखना बाद में। क्यों गोयल साहब इसका एक्सपीरियंस गोयल साहब को अच्छा है वो बताएंगे। एक्सपीरियंस गोयल साहब को है बाबे के घर जाने। हाँ गोयल साहब जब तुम बाबे के घर गए थे तो आपका क्या एक्सपीरियंस है दरवाजा खोलते ही? प्यारा सा बच्चा है उसने बड़ी रिस्पेक्ट से हमें गोयल साहब बुलाया और नमस्ते की हम भी हक्के बक्के रह गए। अच्छा नाम लेके बुलाया गोयल साहब छोटा कैसे हो गया? तो बहुत ही प्यारा बच्चा मतलब बहुत बढ़िया ग्रैंड वेलकम हुआ आपका। ये बात है तो भाई तूने क्या तैयारी करके रखी है अंकित के ब्याह की? मैंने मतलब तैयारी अभी कुछ नहीं करी है। तो मैं ले आया कल। अच्छा शर्ट सिलवानी है। अब तेरी तैयारी है? मैं हफ्ते की वेट कर रहे हैं अभी। सब कुछ सिलवा लिया सब कुछ सिलवा लिया अभी तो अंकित के यहाँ की इंतजार है। अच्छा नोते की वेट कर रहे हैं। नोता आएगा तो जाएंगे नहीं तो नहीं नोता है तो नहीं जाएंगे किसी और के शादी में काम आ जाएंगे। है जी भाई नहीं सर नोता तो देगा ना बिल्कुल सर कोर्स सर सभी को दूंगा सर। नहीं तो सर स्वीति जी की शादी में काम अगर दो महीने बाद बंदी ना मिली फिर मिल जाएगी
नहीं अब तक नहीं मिली तो फिर आगे दो महीने जो हसीनता के अंदर है जो दो साल चार पक्कियां जब दो साल में नहीं मिली तो दो महीने में कैसे मिले वो पक्कियां चार है झूठ बोल रहा है चार पक्कियां मैंने बंदी देखी हुई है घर वालों को भी नहीं बताया घर वालों ने भी दसवा है क्या नहीं सीखा पापा ने तो अच्छा पापा बंदा पैसे बनाने में लगा पड़ा है स्मॉल भी नहीं स्मॉल भी ये जो है ये बहुत तगड़े गेमर हैं बिग स्मॉल के और इन्होंने जो कुछ बताना नहीं इन्होंने जो अपने बछिंदे बना के रखे हैं वो ये देखो हाँ भाई बिग स्मॉल है चलना कुछ नहीं सर हम तो बस हमें नहीं पता हम तो इस चीज से अनजान हैं देखो मैं आपको एक चीज बता रहा था एक बंदा मैं आपको बता रहा था ना कि हमें वो जैसे ही देखा उसने को एकदम फ्री हो जाता है देखो ये देखो ये देखो ये लगा पड़ा देखो फोन में क्या देख रहा है ये वो शातिर आदमी जो पीछे से कुछ भी देखना शुरू कर देता है गौर से देखिए पेट खराब है उसके बावजूद भी फोन में देखो क्या क्या देख रहा है इस मासूम चेहरे के पीछे ये वाला मासूम चेहरा है नियत गंदी वाली नियत का नहीं खराब हुई नियत का पता नहीं भाई खराब हो गई नहीं शरीफ बंदा है बहुत ज्यादा शरीफ शराफत देखो चेहरे से लग रही है हाँ जी बाबू जी हेलो इधर क्या रहा फिर भैया और वो जो तुझे बताया था वो ठन ठन करने वाला क्या हुआ उसका कुछ कस्टमर मिले मिले सब्सक्राइब करके करो वो ना वो है थोड़ी आवाज थोड़ा बुलंद होनी चाहिए यार इसमें फोन ये डांट के भेजा तुझे आज तू दबा दबा सा नजर आ रहा है बात तो सही कह रहे तो भाई मयंक की मयंक की दरखास्त पे यार सच बता दे इनको यार जो भी है आज बता ही दो इनको बता दे तू जो अगर कुछ है तो बता दे इनको सच नहीं तो कोई बात नहीं है कौन है तो जी ये था हमारा आज का ब्लॉग जिसमें आपने देखा आज यहाँ कुछ अंकित के बारे में डिस्कशन चल रही थी सब लोगों को शक हो रखा है कि अंकित की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तय होगी इसी चक्कर में उसको छेड़ते रहते हैं वो छेड़ना भी वाजिब बनता है क्योंकि भैया मैरिज का सवाल है इसलिए उससे इस ब्लॉग में डिस्कस कर रहे थे भाई तू हनीमून पे कहाँ जाएगा ये है वो है काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की है लेकिन उसने अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं किया कि थोड़ा थोड़ा सा हिंट दिया हाँ थोड़ा थोड़ा हिंट दिया है कि भैया हम ऐसे 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 जो भी है इस साल के एंड तक हम कुछ ना कुछ कर लेंगे लेकिन अभी खुल खा सकते हैं हमारे साथ साथ हम भी आपके साथ साथ हम भी सस्पेंस में हाँ तो ये सस्पेंस तो बना हुआ ही है आज आज सभी ने पूरी कोशिश की है भैया तुमने हैं पूरी कोशिश की हमने सच बुलवाने की लेकिन अभी लेकिन उंगली टेढ़ी भी कर दी हाँ लेकिन अभी उंगली टेढ़ी करने के बावजूद भी बाबूजी अभी कुछ बता नहीं पाए तो चलो कोई नहीं ये तो बताएगा आज नहीं बताएगा कल बताएगा ये निकलवा ही लेंगे क्योंकि ये जो है बड़े पहुंची चीजें हैं पीछे बैठ गए जो निकालने में तो जी ये तो था आज का ब्लॉग और आपको पता ही है अगर आपको हमारी ये जो ब्लॉग में जो हम करते रहते हैं अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना सब्सक्राइब करना और शेयर करना ये तो था मेरी तरफ से कमेंट जरूर करें हाँ जी बोलिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें देखो बहुत जरूरी है और ये बाबूजी कुछ कह रहे हैं पीछे वाले हाँ जी नहीं सर फीडबैक देनी जरूरी है ताकि हाँ, अगर वीडियो में कुछ भी चीजें हैं कि चेंज करने वाली हैं हाँ, तो उनको चेंज करेंगे यार फीडबैक अच्छी लगने में अच्छी लगे बताएं क्या चीज अच्छी लग रही क्या चीज नहीं लग रही है भाई फीडबैक बहुत जरूरी है देखो फीडबैक के लिए तो हम भी बोलते हैं क्योंकि आप कमेंट में डालोगे कि हाँ ये चीज अच्छी लगी ये वो लगी ये वो लगी ठीक है जी अच्छे का अच्छे कमेंट दिया करो तो इससे क्या है मोटिवेशन बनी रहे तो बताओ मैं बाबू जी आप बताओ बिल्कुल बिल्कुल नारद बाबू जी घर से आए हैं थोड़ा इनकी एनर्जी जो है थोड़ा लॉस हो रखी है कल को गेन हो जाएगी कल को गेन हो जाएगी तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को देखे सब्सक्राइब करें शेयर करें और हिमाचल में जरा इसका जरा फैला दे हिमाचल में
बोला यार हिमाचल वालों के भाई, हिमाचल वालों के लिए बताओ जरा कुछ। हिमाचल वाले जितने भी हैं चैनल को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और रोज वीडियो को ब्लॉग देखें। छबील का आनंद ले, ठीक है जी। ये भी बहुत जरूरी है, गर्मियाँ बहुत पड़ी हुई है और गर्मी से बच के रहे भैया, लू चल रही है आजकल तगड़ी। और खाली पिए ना, पिलाए भी, पिलाए भी, पिलाना बहुत जरूरी है, पीता तो हर कोई यार, पिलाए भी, पिलाने वाला भी बनो यार, सही बात है। चलो जी, वीडियो ना लंबा करते हुए हम आपसे इजाजत लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, जब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, ओके बाय। I was actually